और यकीन करो कि इल्म बातन के बगैर जहर कोई एतबार नहीं है। एक हदीस में है कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरे कल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। तुम कहते हो हम दिल से नमाज पढ़ते हैं, गर्मियों में सर्दियों में मस्जिद में जाते हैं, दिल से नहीं जाते तो क्या होता? बस यही एक नुक्ता है, अगर समझ में आ जाए तो। तुमने देखा होगा कि तुम्हारा कोई हमसाया या अजीज 20-25 साल तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ता रहा, वो भी तुम्हारी तरह मस्जिद में गर्मियों सर्दियों में जाता था, लेकिन एक दिन पता चला कि वो गैर मुकल्लद हो गया। अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो वो गैर मुकल्लद क्यों होता? जिस तरह तुम नमाजें पढ़े हो वो भी उसी तरह नमाजें पढ़ता था। हो सकता है वो 20-25 साल के बाद गैर मुकल्लद हुआ, तुम 30-40 साल के बाद गैर मुकल्लद हो जाओ, क्या एतबार है? वो भी ला सलाता वाला था, तुम भी ला सलाता ला बिहुज़ूरे कल्ब वाले हो। नमाज की तीन किस्में हैं, एक नमाज सूरत है, एक नमाज हकीकत है, एक नमाज इश्क। नमाज सूरत मुसलमानों के लिए है, नमाज सूरत का कोई एतबार नहीं है। मजद्दद साहब फरमाते हैं कि हर आदमी की नमाज सूरत है, हर आदमी को चाहिए नमाज हकीकत की तलाश करे। नमाज हकीकत मोमिनों के लिए है और नमाज इश्क वलियों की है। तेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, मेरे तेरे दिल का माही, बन के मस्त मलंग रहेंगे। नमाज सूरत क्या है? उसको हर फिरके वाला पढ़ सकता है। सिख जासूस भी ऐसी नमाज पढ़ के पढ़ा के चले गए, वो नमाज सूरत पढ़ा के चले गए, वो जो जासूस थे। अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल हो अल्लाह वाहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा, आपने लोगों को कहा कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान हुए, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक हुए, जिन्होंने नहीं माना वो काफिर हुए। अब जब मुसलमान नमाज पढ़ता है वो किसको कहता है? धीमे धीमे कह दे अल्लाह एक है। वो तो जानता है अल्लाह एक है, वो किसको कहता है? कह दे अल्लाह एक है। वो अपने दिल को कहता है कह दे अल्लाह एक है। दिल जवाब देता है घर में आटा ही नहीं है, हिलोजत करता है, मानता ही नहीं है। फिर कहता है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है बीवी बीमार है, लामिया लेद व लामी उलद। दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गया, चल, मानता ही नहीं है। काफरों की जुबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था, और मुनाफिक दिल की नमाज कैसी होगी? उसने माना ही नहीं। ये नमाज सूरत है। कुरान मजीद फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं, उनकी नमाज दिखावा है। ये नमाज दिखावा है, दिखावा कैसे है? लोगों के सामने अटेंशन खड़ा है, बड़े खुशु खुजू से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ना अमलों को देखता हूँ, ना शक्लों को, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूँ, ना तेरे सजदे को, मैं तेरे कलब और नियत को देखता हूँ। जिसको अल्लाह देखता है उसमें शैतानी ख्याल, दुनियावी ख्याल, और जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन खड़ा हुआ है। यह नमाज दिखावा है, भले सारी उम्र पढ़ते रहो, घर में अकेले पढ़ते रहो तब भी यह नमाज दिखावा है। और इसके लिए कुरान मजीद फरमाता है यह तबाही भी है, यह तबाही भी है। तबाही कैसी है? नमाज भी पढ़ता है और तबाही भी है। अब उसका सीना खाली है, नमाज पढ़ता है, दिल में तकबर आया। अब तकबर को तो अल्लाह ला निकालता है, उसके दिल में अल्लाह ला ही नहीं है। लोगों ने कहा तहज्जुद भी पढ़ता है और तकबर आया। एक दिन बेनमाजी को देखा, बड़ी हकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूं, और ये नहीं पता तकबर ऐसा झील का अखबार कर नमाजें वो भी पढ़ता था। उसको ऐसा झील को तकबर ने अखबार किया ना, नमाजें तो वो भी पढ़ता था। जब उसके तकब्बुर की इंतहा हो गई तो कहने लगा मेरे जैसा इस दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि हुजूर पाक अफजल हैं।
चलो सारी सुनते अपना लो, वो सारी सुनते अपनाता है। जब सारी सुनते अपनाता है फिर कहता है मुझ में और हजूर पाक में क्या फर्क रहा, वो तो मेरे बड़े भाई की तरह है। जब यहां तक पहुंचा तो उसका ईमान ही चला गया, वो नमाजें उसका ईमान ही ले गई। ये नमाज है जो तबाही की तरफ ले जाती है, इसको नमाज सूरत बोलते हैं। अब दूसरी नमाज हकीकत है, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी, दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। फिर कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे कोई अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करेगा नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे। बनके मस्त मलंग रहेंगे, सोहर तेरे संग रहेंगे, मुखालिफ सारे दंग रहेंगे, सोहर तेरे संग रहेंगे। नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे। उस वक्त जुबान कहेगी कुल हो वल्ला हो अखद, कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। फिर जुबान कहेगी अल्लाह अस्मद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। लम यलिद व लम यूलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है और जिस्म अमल कर रहा है। जुबान जिक्र मुफसल में और दिल जिक्र मुजम्मल में। जबान तफसील से मना रही है कि कह दे अल्लाह एक है, और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह ही अल्लाह। जबान का तसरफ है वो बीबीसी से बोलते हैं यहां सुनते हो, और दिल का तसरफ है यहां गूंजता है अरशे मौला वाले सुनते हैं। वो नमाज मोमन का मेराज है, वो ला सलाता इला बेहजूर कलब। दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती, जब दिल हाजिर हो जाता है वो नमाज मोमन का मेराज बन जाता है। इसके बाद फिर वली की नमाज शुरू होती है जिसको नमाज इश्क बोलते हैं। एक दफा का वाकया है कि मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह मस्जिद में गए, देखा एक आदमी सो रहा है, सोचे शायद नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर गए देखा सो रहा है, आप असर से मगरब तक मस्जिद में रहे थे, मगरब की अजान हो रही है और वो सो रहा है। आपने उसको झंझोड़ा, उठ या मस्जिद से निकल जा या नमाज पढ़। वो फौरन उठा, वुजू किया, जमात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज से कहा इमाम साहब रुक जाएं। इमाम साहब रुक गए। उसने फौरन नीति दौर का सुन्नत वक्त फजर, देखते हैं फजर का समा हो गया। फिर उसने जोर की नमाज पढ़ी, जोर का समा हो गया। फिर असर की नमाज पढ़ी, एक रावी लिखता है सूरज वापस आ गया। उस वक्त उसने कहा मजद्दद साहब आप तो साबे नजर थे, बेहतर था मुझे जगाने से पहले मेरा हाल देखते, मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो। झूम के बोलो अल्लाह।